हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी के छिलकों की एक अनोखी रेसिपी, जो शायद ही आपने कभी खाई होगी। ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लौकी ले लेना है। लौकी हमें छोटा वाला लेना है, यानी कि नरम वाला, और उसे ऐसे कट कर लेना है टुकड़ों में। उसके बाद इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम छिलकों को अलग कर रहे हैं। आप चाहे तो चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस सब्ज़ी के लिए लौकी का नरम होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लौकी ले लेंगे तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए हमने नरम वाले लिए हैं। और हमने यहाँ पर छिलकों को अलग कर लिया है, और ये लौकी है, इसको अलग सब्ज़ी बना लेंगे। अब इन छिलकों को बहुत बारीक बारीक हमें कट करना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने लौकी के छिलकों को बहुत बारीक बारीक यहाँ पर टुकड़ा कर लिया है। आप चाकू से भी इसको कर सकते हैं। इसका बारीक होना ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ी में इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पर पूरे लौकी के छिलकों को कट कर लिया है, और यहाँ पर आलू भी ले लिए। हमने दो आलू लिए हैं छोटे वाले, और ये बहुत पतले पतले कट करे हैं हमने। और यहाँ पर चना दाल भिगो के लिया है, लहसुन लिया है, एक प्याज लिया है, और थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। अब हमने एक कढ़ाई गरम कर लिया है, और कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम होते ही हमने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हमने इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हमने जो एक प्याज को कट करके रखा था वो भी हमने डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। उसके बाद हम इसमें लौकी के छिलके डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे, 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें लौकी के ये छिलके डाल देंगे पूरा, और फिर इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें भिगोया हुआ चना दाल डालेंगे। चना दाल हम इसमें एक मुट्ठी भर कर डाल रहे हैं। आपके पास अगर ज़्यादा लौकी के छिलके हैं तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। फिर इसको भी अच्छे से लौकी के छिलके के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले हमने इसमें बेसिक से लेने हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से रेड चिली पाउडर का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम स्वाद अनुसार इसमें अभी नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर अगर नहीं है आपके पास तो आप ज़ीरा और धनिया का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2-3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को बहुत बारीक ही कट करना है, और आलू को बाद में ही डालना है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी पक जाएंगे, इसलिए हमने बाद में डाला है। अब 1-2 चम्मच भर के पानी डाल दिया है, ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। पानी को हम इसमें अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे, और हम थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर आधा टमाटर को कट करके डाल रहे हैं। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, या फिर डाल भी सकते हैं। डालेंगे तो थोड़ा सा खट्टापन आएगा सब्ज़ी में। अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो सब्ज़ी बनने के बाद लास्ट में अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक पका लेंगे। और यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाकर देखा है, सब्ज़ी आधी पकी हुई है। अब इसको और एक 5 मिनट पकाएंगे तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसको चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आलू भी पक गए हैं, और ये छिलके भी पूरी तरह से पक गए हैं। चना दाल भी पक गया है, तो हम इसको अभी सर्व कर लेते हैं। आप इसको साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।